Hello guys, once again welcome back to my channel. So guys, फिर से हम लोग आज मणिपुर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग NJP स्टेशन पहुँच चुका है, तो अभी 4 बज चुका है। तो हम लोग का ट्रेन जो है NJP टू डीमापुर के लिए। तो अभी हम लोग का 6 बजे का ट्रेन है। तो मैं और मेरा बहन है नानी इधर रहता है रहता, मैं और मेरा भाई ने हम लोग साथ पे जा रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग 6 बजे में अभी ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और 6 बजे में जाकर ट्रेन पकड़ेंगे। तो चलिए ब्लॉग कैसा रहेगा देखते हैं। इधर में हम लोग का बैग जो है चेकिंग होने जा रहा है, स्कैनिंग होने जा रहा है बैग के वैसे ना सर बैग में। तो अभी हम लोग का बैग स्कैनिंग करना पड़ेगा। हम लोग का बैग बहुत हैवी है, आप लोग देख सकते हैं बैग इतना सारा लिए हुआ है। ना ये मेरा सिस्टर का, एक्चुअली मेरा तो बैग नहीं। तो होना कोई ये और ये कौन हो यार? अच्छी रहा ये मेरा निकाल देता। स्कैनिंग हो चुका है बैग, ऐसा करके लेकर जाना पड़ता है। तुम आई जो में आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ट्रेन निकले था। तो गाइस हम लोग का ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने जा रहे हैं। तो ये पीछे में देख सकते हैं, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1। हम लोग प्लेटफॉर्म 1 के तरफ जा रहे हैं। तो शायद लगभग कल हम लोग शायद सुबह का 8 बजे जैसा में हम लोग डीमापुर को जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो मेरा ये NJP जो डीमापुर स्टेशन का ब्लॉग जो ये सेकंड ब्लॉग है, इसलिए मैंने पहला भी बना चुका था। तो गाइस हम लोग ने एक्चुअली तत्काल में टिकट काटा हुआ था, तो हम लोग का स्लीपर क्लास और स्लीपर क्लास वगैरह का टिकट नहीं मिला, तो जनरल का टिकट मिला है। तो आज हम लोग जितना भी दिक्कत हो सके ट्रेन हम लोग को क्या बोलता है जनरल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को डेट 2 कल पोस्ट नहीं है। एनी हाउ कल मणिपुर पोस्ट नहीं, क्योंकि डेट 12 में जो है हमारा एक बहन का शादी है, तो हम लोग शादी में जा रहे हैं। तो एनी हाउ हम लोग को डेट 12 में तो शादी है, तो डेट 11 में एनी हाउ पोस्ट नहीं है। तो ठीक है, गाड़ी रोक रहे, कितना बजे में पहुँच जाएगा चलते देखते हैं। तो गाइस तब तक के लिए मैं आप लोग का NJP का रेलवे स्टेशन का नज़ारा भी दिखा देखूँगा, नज़ारा भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, इस तरफ स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे बैठा हुआ है। तो शायद प्लेटफॉर्म नंबर टोटली प्लेटफॉर्म नंबर 8 है NJP पे। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। टंगू तुम कहाँ में रहते हो? तुम्हारा माँ बाप है? क्या करते हो तुम काम? तुम क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? तुम्हारा शूज कहाँ चला गया? तुम्हारा पैर वो नहीं जूता? क्या काम करते हो तुम? रोटी रोटी बनाते हो? कहाँ में रोटी? दिन भर रोटी बनाते हो तुम?
तुम्हारा माँ है? कहाँ है तुम्हारा माँ? पिताजी? तुम्हारे पिता भी नहीं? अभी तुमको मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। इनको रुक रहा है, तो अभी 6:30 हो चुका है, तो अभी हम लोग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो अभी आने वाला है, और मैं और मेरा बहन भी रुक रहे हैं, बहुत देर से रुक रहा है। आज ट्रेन जो है बहुत लेट आया हुआ है, और जो ट्रेन का नाम है दीपूगढ़ टामरंग एक्सप्रेस है, जो हम लोग ट्रेन जाने वाला है, तो चलिए देखते हैं। इतना लंबा सा ट्रेन प्लेटफॉर्म है, चाय पानी कितना दो लीटर? अरे पानी पानी अरे पानी होती पानी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये सुबह का ब्लैक टी। तो अभी हम लोग जो है कौन सा स्टेशन क्रॉस है हम लोग को पता नहीं। अभी सुबह का 4:30 हो चुका है, बहुत दिक्कत से पहुंचा है हम लोग, बहुत दिक्कत फेस किया है, बहुत भीड़ था कल रात। तो गाइस मैं तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा गाइस, जनरल ट्रेन में आप लोग कभी भी ट्रैवल मत करिए, बहुत दिक्कतें होता है, बहुत रात भर सोने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत मिला, सोने के लिए जगह भी नहीं मिला। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके आप लोग स्लीपर क्लास, इफ एसी का नॉट पॉसिबल आप लोग स्लीपर क्लास का टिकट काट लीजिए, और जनरल का बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मेरे यही सोचा हुआ है आप लोगों को, बहुत भीड़ था, हम लोग का पैदल रखने का जगह भी नहीं था। Turn right, then turn right at DC Colony Road. Kya jayega chacha ji? Baathe bina tu to baithna mukha hai. सो गाइस फाइनली अभी हम लोग को मणिपुर का गाड़ी भी मिल चुका है, तो हम लोग अभी 10:30 में डिमापुर पहुंच गया था, तो अभी 11 बज चुका है, तो जब डिमापुर पहुंचा था तब गाड़ी मिल चुका है, तो अभी हम लोग मणिपुर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी NGP टू डिमापुर का ब्लॉग इतना ही था, तो मणिपुर का नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, मेरा बहन का शादी है, तो वो शादी का ब्लॉग नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, तो
मिलते हैं अगले ब्लॉक में।